जिसका नाम है गजानन वड़ा पाव। एंड ये वड़ा पाव की प्लेस है वो उसकी चटनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए देखते हैं उनकी चटनी में ऐसा क्या है। मैंने 35-40 साल हो गया। और ये चटनी में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, बहुत फेमस है? चटनी में क्या है, वो इस दाल भी सब रहते हैं, वो चूरा रहता है, इसका वजह से उसको फेमस में रहता है, मसाला डालना पड़ता है, ऐसा रहता है। सो हियर इज़ माई गर्मा गर्म वड़ा पाव। एंड ये वो चटनी है जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये है प्योर जो मिर्ची का ठेचा बोलते हैं मराठी में, वो है इसमें। बेसिकली हरी मिर्च रहती है वो है। एंड ऐसे वड़ा ये ऐसे देते हैं। और ये पाव, वड़े को अब हम डालेंगे पाव। ये बहुत गर्म है ये वड़ा, टेस्ट करते हैं पहले। चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इतना कुछ भी स्पाइसी नहीं है इसमें डाला हुआ। बेसन की जो चटनी होती है, ये चटनी बेसन की बनी है और इसमें कुछ दाल डाला हुआ है। एंड ये जो ठेचा है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, मतलब इमेजिन कर ही सकते हो, सिर्फ मिर्ची का बना हुआ होता है ये, तो इसका स्पाइसीनेस कितना होगा। और अगर मैं ये वड़े की बात करूँ, टेस्ट वाइज इट इज़ गुड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये जो ग्रीन चटनी है ना, उसके साथ खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं लास्ट 6 साल से मैं तो आया हूँ, 6 साल हुआ, और इनका टेस्ट इतनी मेंटेन है, मतलब जो पहले था वो हिसाब से कंटिन्यूटी है। और उनका कुछ भी चीज लो, मतलब भजी है या वड़ा है, तो टेस्ट उनका पहले से अच्छा है। और मैं 6 साल से कंटिन्यूटी यहाँ पर आया हूँ। The best. Okay, so guys, this was it about Gajanan Vada Pav, and अब तो मैं भी ये वड़ा पाव की फैन हो गई। And if you like this video, make sure you subscribe to our channel and give this video a big thumbs up. Bye.